अबे गुडविल का अकाउंट कैसे करते हैं? पहले से जो गुडविल है ही नहीं बिल्कुल, अब नई गुडविल आई है तो क्या एंट्री होगी आपके? ओल्ड पार्टनर क्या कहते हैं? गुडविल, गुडविल अब आई है नहीं तो एंट्री क्या हो जाएगी आपके? गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर। अब खाता वापस क्या करना है? खोलना भी है, वापस क्या करना है? बंद भी करना है। तो देखो खाता खोले कैसे? गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर। अब खाता बंद करना है तो बंद करने के लिए आपको उल्टी एंट्री करनी पड़ेगी। इसमें आपके केवल न्यू पार्टनर ही आएंगे या मान लो रिमेनिंग पार्टनर आएगा। रिमेनिंग पार्टनर तू क्या हो जाएगा आपके? गुडविल, जो पीछे बचे हैं वो बांट लेंगे। पहले केवल खाता ही खोलना है तो गुडविल टू ऑल पार्टनर, केवल खाता खोलना है। तो आप बंद करना है तो रिमेनिंग पार्टनर टू क्या हो जाएगा आपकी? गुडविल। खाता खोलना भी तो बंद करना भी, और आपको इन दोनों जगह एक एंट्री करनी हो तो गुडविल गुडविल कैसे हो जाएगी और एबीसी जो कैसा हो जाएगा ध्यान दो। अगर आपको गुडविल खाता खोलने नहीं, खोलने भी नहीं बंद करना है तो यह आ जाएगा आपके रिमेनिंग पार्टनर, लिखा हुआ रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर, ये खाता कट जाएगा। अब रिमेनिंग पार्टनर में एबीसी, जैसे एबीसी तीन व्यक्ति है तो इसमें तो आएगा आपके कौन कौन आएगा इसमें आपके? इसमें तो आएंगे आपके ए और बी, और इसमें आ रहे थे आपके ए प्लस बी प्लस सी। तो देखो सी तो आएगा यहाँ पर जो रिटायर हो रहा है, और ए और बी का बैलेंस आएगा, जो बैलेंस बचा है वो वाला बैलेंस, बैलेंस हिसाब से आपको ए एंट्री करनी है। तो ये हो जाएगा आप जैसे मान लो सी जा रहा है तो देखो सी केवल सी आर में है तो यहाँ केवल सी आएगा, यहाँ ए भी आएगा और बी भी आएगा। और किस अनुपात में आएंगे आपके? फायदे के अनुपात में। कभी कभी एक का ही फायदा होता है, एक का नुकसान होता है। मान लो जो गया है वो पूरा पूरा पैसा एक ले जा रहा है, या ऐसा हो जाए कि पहले अनुपात था आपके पांच तीन और दो का, अब ये चला गया तो इसको लंच का लाभ हो गया आपके। इससे पहले था दस रुपए था, पांच तीन दो था, अब ये जाने के बाद अनुपात हो गया आप समझ लो चार अनुपात छह हो गए। अब मतलब कि सब इसका पैसा इसको मिल गया और इसका एक रुपया इसको मिल गया, इतना फायदा हो गया उसको। तो यहाँ पर फिर आपके एक नाम में आएगा, फिर आपके डी आर सी आर अंतर निकाल लो, अंतर के हिसाब से यहाँ आपके एक अकाउंट बी वाला नीचे भी आ सकता है अगर एक को अगर और घाटा होता है। जैसे मान लो सी गया, सी का जीरो हो गया, इसका कम हुआ, इसका कितना कम हुआ? दो कम हुआ इसका, इसका भी देखो एक कम हो गया। जिनका कम हो जाता है वो यहाँ आ जाए, दोनों रिटायर पार्टनर भी आएगा और जिसको नुकसान हुआ है वो भी आएगा यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है अगर मान लो इसका फायदा इसको मिले और इससे भी और मिले तो होता है, तब आपके यहाँ आ जाएगा फिर ए टू सी तो आएगा रिटायर हुआ, साथ में यहाँ पर आपके जैसे मान लो बी यहाँ आएगा, फायदा उसको हो रहा है नुकसान दोनों को हो रहा है, ये तो पूरे ही जा रहा है और ये जा नहीं रहा है लेकिन लाभ क्या हो रहा, नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर टू ए भी आ सकता है। इसलिए आप सबसे अच्छा है दो एंट्री कर लो, एक बार डी आर और एक बार सी आर। कुछ नहीं दे रखा है तो फिर ऐसा कर लो कि ए है बी है और टू क्या आएगा सी, और अगर ए को नुकसान हो गया तो ए बी सी आर मत, जिसको नुकसान होगा वो आपके यहाँ पर चेंज हो सकता है आपके अकाउंट। इसलिए ज्यादातर आप सबसे सही है दो एंट्री कर लो, एक बार डी आर में और एक बार सी आर में, और ये एंट्री बिना खाता खोले बंद करना है ये कर सकते हो, या दोनों एंट्री करके दोनों का क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो, अंतर निकाल कर एंट्री बना लो, एक ही बात। ये तो है आपके गुडविल, पहले बैलेंस शीट नहीं थी अब आई है नहीं, अब ये है आपके गुडविल बैलेंस शीट में हो। अब मान लो गुडविल बैलेंस कितनी है आपके 10,000, और नई कितनी मिलेंगी की हमने नई 10,000 मिलेंगी, तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री, क्योंकि दोनों बराबर ही पैसा पैसा पहले तो बार ऐसा है जैसा आता ही नहीं क्वेश्चन कि 10,000 है वापस देख 10,000 होगी, इसके बारे में याद दिया हुआ ही नहीं आएगा, ऐसे ही होता है ज्यादातर, ऐसा सवाल होता नहीं है जबकि छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर का छोटा क्वेश्चन नहीं, गुडविल थी 10,000 और हमने अन्य विवरणों में मतलब अपने नई मूल्यांकन की तुम की 10,000 की, तो अंतर ही नहीं है, एंट्री अंतर की एंट्री होती है। अब यहाँ बैलेंस शीट में 10,000 है और यहाँ कितनी होगी? 15,000, 5,000 है, ज्यादा आते गुडविल और बढ़ जाएगी, ये एसएस पक्ष है और बढ़ जाएगा, मतलब डीआर साइड बढ़ जाएगी, तो हो जाएगा डीआर करते गुडविल को टू आपके ऑल पार्टनर में बांट दे। अब गुडविल 10,000 की होगी 7,000 कम हो गई तो यहाँ क्या जाएगा? उल्टा करेंगे हम, यानी कि ऑल पार्टनर तो क्या आ जाएगा आपके? गुडविल हो जाएगा। अब है आपके प्रश्न निर्देश हो कि आपको गुडविल अकाउंट क्या करना है? बंद करना है,
बंद करना है तो ये डीआर होता है, क्या करते थे इसको आप सीआर कर देंगे टू गुडविल, और सामने जो भी है आपके नए में बांट देंगे न्यू पार्ट, न्यू है क्या वो क्या कहते हैं रिमेनिंग पार्टनर में। और ये ध्यान देना है यहाँ पर आपको कि रिमेनिंग पार्टनर में बांटते हैं कौन सा अनुपात बांटते हैं आपके न्यू रेशो में, नए रेशो में बांटना है इसका क्वेश्चन भी है आपके पीछे, तो इसलिए ध्यान रखना है गुडविल को बांटना है नए अनुपात में बांटना है आपको चेंज कर गुडविल को, अगर खाता अगर बंद करना है तो बंद करना है तो गुड यहाँ लेकिन टू गुडविल और रिमेनिंग पार्टनर में बांट देंगे सीधे खाता बंद करने के लिए। क्वेश्चन भी देखो क्वेश्चन एक उसके बाद